तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देख सकते हो आपका पूरा पेपर इसी प्रकार का आएगा जैसा कि आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं और समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2023 कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा जो आपका पेपर होगा इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को ताकि आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर है, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, परागकण का अध्ययन कहलाता है। परागण किसका अध्ययन कहलाता है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा पेलिनोलॉजी। तो इसका उत्तर आप लोग ये लिख ले पेलिनोलॉजी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसको क्या कहेंगे, जैविक इंडेक्स। तो देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है जैविक इंडेक्स, इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का संरक्षण अनुपात होगा। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जर्म कोशिकाएं। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, लीवर सिरोसिस को उत्पन्न करने वाला कारक क्या है, अल्कोहल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, प्लाज्मिड का नाम दिया। प्लाज्मिड का नाम क्या दिया? तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अतसेगर। तो यहाँ से आप लोग लिख लें ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में दसवें रंध्र पाए जाते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, मेरुभित पौधे में पाया जाता है। तो देखिएगा ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा इस जगह पे आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। आप लोग रिक्त स्थानों को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है, वृषण में कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, लैंगिक कोशिका। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कैसी कोशिका के द्वारा होता है, लैंगिक कोशिका के द्वारा इनका निर्माण होता है, लैंगिक कोशिका। यहाँ से इसका उत्तर आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है, DNA के खंडों को जोड़ने का कार्य एंजाइम करता है। कौन से खंडों को जोड़ने का काम एंजाइम करता है? इसका उत्तर आ जाएगा, लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे लाइगेज और इसके बाद में एंजाइम, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आप लोग देख लें, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं। तो देखिएगा कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को क्या कहते हैं, ओकोजीन इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ओको और जीन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इसका उत्तर लिख लेना है, किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, सेकेरोमाइसिस सीवरेसी। तो देखिएगा यहाँ पर आप इसके नाम को लिख लेते हैं, कौन से ईस्ट का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, सेकेरो, और इसके बाद में आपको लिखना होगा सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस और इसके बाद में सिरवेसी, ये इसका उत्तर है, सिरवेसी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आप लोग देखते चलें क्या लिखा है। 5 नंबर का, PCR को सर्वप्रथम ने विकसित किया, किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर आ जाएगा केरी मुलिस, केरी और उसके बाद में मुलिस ने इसको विकसित किया था। उसके बाद में सुनहरे चावल में विटामिन पाया जाता है। सुनहरे चावल में कैसा विटामिन पाया जाता है? तो देखिएगा विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वास मूल में पाई जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग राइजोफेरा इसमें पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, राइजो और फेरा इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीजांड का वे स्थान जहाँ बीजांड व्रत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है। इसका उत्तर आपका आ जाएगा हाइलम। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, इसका उत्तर क्या आएगा, हाइलम इसका उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है। तो देखिएगा अपरा या प्लेसेंटा गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण करता है, अपरा या फिर आप लोग प्लेसेंटा भी लिख सकते हो यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको लिख लेना है, वाई क्रोमोसोम के कारण मानव में लिंग का निर्धारण होता है, वाई क्रोमोसोम। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बी ओ डी का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी ओ डी का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ से आपको बताना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ से आप लोग लिख लें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और डिमांड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्लोन जंतु का नाम बताइए। तो देखिएगा पहले जो क्लोन जंतु था उसका नाम क्या था, भेड़। यहाँ से आप लोग लिख लें, उसका नाम था भेड़, जिसका नाम था डॉली। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सहजीविता का एक उदाहरण लिखिए। सहजीविता का एक उदाहरण क्या है, तो यहाँ से आप लोग लिख लें, सहजीविता का एक उदाहरण है लाइकेन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है जोड़ी। तो देखिएगा जोड़ी कैसे आपको बना लेनी है, इस जगह से आप लोग देख लें और समझ लें। तो जोड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है पार्थिन ओकोपी। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, केला से। उसके बाद में सिफिलिस दूसरे नंबर पर जो लिखा है, ट्रिपोनियो पोलिम से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और उसके बाद में अगला जिराफ की गर्दन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको इसे कर लेना है। उसके बाद में एड्स चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है एसटीडी से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं बायोगैस पाँचवें नंबर का, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है किससे, मीथेन से। उसके बाद में छठा बीटी कॉटन, छठे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, ट्रांसजेनिक पौधे, तो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें, ट्रांसजेनिक पौधे से। और मृदा की जोड़ी का मिलान पेडोलॉजी से आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा ये आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को समझ लें और इनको अच्छे से याद कर लें, जैसे कि गिफ्ट क्या है, टेस्ट क्यूब बेबी किसे कहते हैं। और इसके अलावा ये आगे के क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग सभी यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों ये 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।